आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद खुला का मतलब नहीं पता, लेकिन आप ये जान जाएंगे जब आपको हम ये बताएंगे कि एक मुस्लिम महिला ने अपने पति को तलाक दे दिया। जी हाँ, जब मुस्लिम महिला अपने पति को तलाक देती है तो उसे खुला कहते हैं। आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी लखनऊ में रविवार को तलाक का अनोखा मामला सामने आया, जहाँ आमतौर पर शौहर अपनी पत्नी को जबरदस्ती तलाक देने के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं अब पहली बार किसी महिला ने जबरदस्ती अपने पति से तलाक लेने का फैसला किया, जिसके बाद ये मामला राजधानी लखनऊ में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एक मुस्लिम महिला रेशमा सिद्दीकी ने अपने 12 साल पुराने शादी के रिश्ते को ये कहते हुए तोड़ दिया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है और इन हालातों में उसका जिंदगी जीना मुश्किल हो चला है। मारते पीटते थे, अभी तो हम अलग हैं, तो ये ऑफिस के बाहर आकर या स्कूल के बाहर आकर या घर के बाहर आकर हंगामा करते हैं और बोलते हैं हम मार देंगे और जेल चले जाएंगे। कितने वक्त से चल रहा है? दो साल करीब हो गया हमें अलग हुए जी, और हमारा मीडिएशन चला है हाई कोर्ट में, और उसके हिसाब से मीडिएशन के हिसाब से कोई चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। हमने सारी चीज़ें फॉलो करी, उन्होंने कोई चीज़ फॉलो नहीं करी, उसकी वजह से इतनी दिक्कतें बढ़ गई। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन अब साथ रह पाना मुश्किल हो चला है, इसलिए उसने अपने पति से अलग होने का फैसला किया। पीड़ित महिला के मुताबिक उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से 4 फरवरी 2006 में शारिक सिद्दीकी के साथ हुई और उनकी एक 10 साल की बेटी भी है। पीड़िता कहती है कि उसका पति उसके साथ लगातार अत्याचार कर रहा था और बेटी पैदा होने के बाद से इस रिश्ते में कई परेशानियां आने लगी। एग्जैक्टली उनके पास लाइसेंस गन है, जिससे वो हमेशा पहले भी डराते रहे हमको, हमारे सर पे रख देते थे और लात घूसे मारते थे, उससे डराते थे, हर काम अपना करवाते थे, इसलिए हमें डर लगता है। अभी भी इन्होंने जब स्कूल के बाहर किया तो उन्होंने यही बोला कि हम गोली मार देंगे, हम जेल चले जाएंगे। इस पूरे मामले में मौलाना धर्मगुरु खालिद राशिद फिरंगी का कहना है कि अगर महिला चाहे तो वो भी अपने पति से तलाक ले सकती है। खुला से मुराद ये है कि अगर औरत जो है अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है कुछ भी रीजंस की वजह से, तो उसको ये इख्तियार है कि खुला के ज़रिए से अपने निकाह को ख़त्म कर दे, और इस सिलसिले में उसको उलमाए कराम से या दारुल क़ज़ा से रुजू करना होता है, और दारुल क़ज़ा में जा कर के अपना मसला वो रखती है, उलमा उसकी बातें सुनते हैं और शौहर को भी बुलाकर उसकी बातें सुनी जाती हैं, और उसके बाद शरीयत की रोशनी में फैसला कर दिया जाता है और निकाह को ख़त्म कर दिया जाता है। तो मौलाना का साफ तौर पर यह भी कहना है कि ऐसे मामले मीडिया के बजाय शरीयत के जानकारों के पास आने चाहिए, जिससे ऐसे मामलों को आसानी से हल किया जा सके। लेकिन अब जिस तरह से तीन तलाक पर रोक लगी है, तो क्या ऐसे मामले अब आम हो जाएंगे, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लालचंद, लखनऊ, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।